आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सामने प्रश्न है कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है तथा जो बिंदु 0 0 3 0 -1 4 से गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं, चूंकि परवलय का समीकरण यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा x ऋण अल्फा का वर्ग बराबर 4a y ऋण बीटा, चूंकि अक्ष जो है क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं, हम लिखेंगे चूंकि परवलय 0 0 3 0 -1 4 से गुजरता है, इसलिए हम लिखेंगे, अतः यहाँ हम मानों को रख देंगे, x और y की जगह 0 0 रखेंगे, तो 0 ऋण अल्फा का वर्ग बराबर 4a गुणित 0 ऋण बीटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा का वर्ग बराबर ऋण 4a बीटा हमारे पास आ गया। इसे देते हैं हम समीकरण पहला। इसी प्रकार 3 0 की बात करें, बिंदु 3 0 से भी होकर गुजरता है, तो x की जगह 3 और ऋण अल्फा का पूरे का वर्ग बराबर 4a गुणित 0 ऋण बीटा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 3 ऋण अल्फा का वर्ग। इसे हम विस्तार कर लें तो आ जाएगा 9 धन अल्फा का वर्ग ऋण 3 2 6 अल्फा बराबर ऋण 4a बीटा। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। दोस्तों यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से देखिए हमारे पास ऋण 4a बीटा का मान अल्फा का वर्ग है, तो हम यहाँ से समीकरण दो में मान रखें तो 9 धन अल्फा का वर्ग ऋण 6 वर्ग बराबर ऋण 4a बीटा का मान यहाँ अल्फा का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अल्फा का वर्ग कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 बराबर 6 अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर 9/6, भाग देंगे 3 2 6 3 3 9, तो अल्फा का मान क्या आ गया हमारे पास 3/2। यहाँ से दोस्तों यदि हम देखें, हम जाएं यहाँ पर समीकरण एक में, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण एक से अल्फा के स्थान पे हमारे यहाँ रख लेंगे 3/2 इसका वर्ग बराबर ऋण 4a बीटा हमारे पास है। तो इस प्रकार यह हो जाएगा 9/4 बराबर ऋण 4a बीटा। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम बीटा के पदों में a का मान लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9/4 है, और यहाँ से हमारे पास 4 और बीटा को इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे ऋण चिन्ह के साथ, तो ऋण 1/4 बीटा बराबर यहाँ से a प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया a बराबर हमारे पास ऋण 9/16 बीटा हमारे पास। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे, क्योंकि ऋण 1/4 से भी यह परवलय गुजर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे तथा ऋण 1/4 से परवलय जाता है, अतः x के स्थान पर ऋण 1 ऋण अल्फा का वर्ग बराबर 4a गुणित y की जगह 4 ऋण बीटा। और इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा ऋण 1 ऋण अल्फा का मान 3/2 इसका वर्ग बराबर 4 गुणित a का मान ऋण 9/16 बीटा गुणित 4 ऋण बीटा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसे हल करेंगे, हमारे पास ऋण 1 ऋण 3/2 है, तो ऋण 5/2 इसका वर्ग आ जाएगा, और यहाँ से 4 से भाग देंगे, 4 × 16, तो ऋण 9/4 बीटा हमारे पास है, 4 से गुणा हो जाएगा, अंदर में और गुणा कर देंगे तो धन 9 बीटा/4 बीटा आ गया, बीटा से बीटा यहाँ कट गया। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, ऋण 5 का वर्ग 25
बटे दो का वर्ग चार, 9/4 इस पक्ष में है तो ऋण 9/4 हम इस पक्ष में ला लेंगे, बराबर यहाँ से हमारे पास क्या रहे, 4 से 4 कटा, ऋण 9/β हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से हल करेंगे, चूंकि हर समान है, मान आ गया 4/25, ऋण 9 यहाँ कर रहे हैं, बराबर ऋण 9/β, यहाँ से 25 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 16/4 बराबर ऋण 9/β, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, और बीटा का मान हमारे पास पक्षांतर करने पर ऋण 9/4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से भी हम देखें, इसे दे दें समीकरण दूसरा, तो ए का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास मान है ऋण 9/16 बीटा, यहाँ से मान रख देंगे ऋण 9/16 × बीटा का मान ऋण 9/4, यहाँ ऋण 9 से ऋण 9 कटा, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, तो यहाँ से ए का मान 1/4 आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हमें ए का मान ज्ञात हो गया, बीटा का मान हमें ज्ञात है, व अल्फा के भी मान ज्ञात है, तो हम लिखेंगे अतः परवलय का समीकरण, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे एक्स ऋण अल्फा के स्थान पर 3/2 पूरे का वर्ग बराबर 4 × a का मान 1/4 × y ऋण बीटा के स्थान पे ऋण 9/4 हमारे पास, तो यहाँ से 4 से 4 हमारे पास कटा, हल करेंगे तो x का वर्ग आ गया, यहाँ से 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9/4, ऋण 2 × x × 3/2 करेंगे तो 3x बराबर y^(9/4). दोनों पक्षों में हमारे पास 9/4 दिखाई देता है, तो इसे हम आपस में कटा देंगे, हमारे पास मान क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण 3x ऋण y = 0। यही हमारा हल हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।